उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जनता ने अपनी पसंद बता दी है। वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और किसे नहीं, ये भी चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है। मैं भगवंत मान ईश्वर भी पहुंच चुका हूं। ऐसे में अब वक्त है थोड़ा रुक कर पिछले 2 महीने चले चुनावी मेले पर नजर डालने का। चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हों या समाजवादी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अखिलेश यादव की रैलियां, या फिर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने इस बार भी चुनाव प्रचार में जमकर पैसे खर्च किए। रैलियों में हजारों लोगों को लाना, बैनर पोस्टर छपवाना, सुरक्षा व्यवस्था करना, टीवी सोशल मीडिया की प्रचार सामग्री तैयार कराने जैसे कामों पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है। चुनाव कराने में सरकार से लेकर राजनीतिक पार्टियों को पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुमान के मुताबिक 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार कोरोना की पाबंदी के बावजूद भी यूपी में 4000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार हुए 5 राज्यों के चुनाव का खर्च जोड़ें तो 2019 के लोकसभा चुनावों के खर्च के आधार पर इन 5 राज्यों में करीब 10000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में अनुमानित तौर पर 30000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2019 में बढ़कर 60000 करोड़ रुपए हो गए। जाहिर है ये आंकड़े चुनाव आयोग के औपचारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हैं। आप एक बार तय कर लीजिए, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा। चुनाव आयोग ने भले ही उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा लगा रखी है, लेकिन पार्टियों के खर्च पर कोई रोक नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अनौपचारिक तौर पर तय सीमा से कई गुना ज्यादा पैसा प्रचार में बहाती हैं। इसीलिए चुनाव में बढ़ते खर्च को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस साल जनवरी में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी बढ़ा दी थी। पहले लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपए की थी, जो अब 95 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि विधानसभा चुनाव में ये सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 40 लाख रुपए कर दी गई है। उम्मीदवार भले ही अपने प्रचार का खर्च खुद उठाता हो, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकार का ही होता है। साल 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्च को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, इसी तरह विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार के जिम्मे है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाती है। एक लोकसभा में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो अगर एक साथ चुनाव हो रहा है तो उसका प्रचार सामग्री आपको कम बनानी पड़ती है। जो लोकसभा के लिए बनी है उसमें से नाम के अलावा पार्टी का प्रचार तो उसी तरह से होगा, तो सारे खर्चे जो है बहुत कम हो जाते हैं। देश की समस्या चुनावी खर्च नहीं है, देश की समस्या चुनाव में खर्च होने वाला पैसा है, और चुनाव में खर्च होने वाला पैसा मुख्य तौर पर काला धन है। अब देखिए, जब अगर पार्टियों के ऊपर चुनावी खर्च की पाबंदी लगा दी जाए और चुनाव सुधार बाकायदा कर दिए जाएं, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चुनाव खर्च कोई समस्या नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।